गणित के बड़े बड़े गुणा जोड़ जिन्हें करने में हमें बहुत टाइम लगता है, उन्हें हम एक फॉर्मूले की सहायता से कितनी आसानी से कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे सबसे पहला फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और इस फॉर्मूले को देखेंगे हम, इसे हमें कैसे सिद्ध करना है, और सिद्ध करके हम जानेंगे कि फॉर्मूला किस तरह से काम करता है। हेलो, नमस्कार। आज हम देखते हैं कि स्क्वायर यानी कि वर्ग क्या होते हैं। वर्ग के सवाल हम करेंगे बीजगणित के फॉर्मूले से। पहले देख रहे हैं, हमारे सामने एक सवाल है 81 स्क्वायर माइनस 75 यानी 81 वर्ग माइनस 75 वर्ग। अगर हम इसको सीधे सीधे करते हैं तो हमें करना होगा 81 का गुणा 81 में और 75 का गुणा 75 में, यानी 81 मल्टीप्लाई बाई 81 माइनस 75 मल्टीप्लाई बाई 75। अब इसको करने में टाइम लगेगा ना, तो इसी को हम फॉर्मूले से करते हैं। हमारे बीजगणित में, एलजेब्रा में एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए वर्ग माइनस बी वर्ग, और इसको सीधा सा खोल देते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि जो भी हमारे पास संख्या दी हुई है उसको एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा लेंगे। ये फॉर्मूला यही कहता है। जैसे हमारे पास 81 वर्ग था और 75 वर्ग था, 81 स्क्वायर माइनस 75 स्क्वायर, तो हम एक बार इनको जोड़ देंगे और एक बार इनको घटा देंगे। आप इसको जोड़िए 6 और 56, और इधर हमने इसको माइनस कर दिया 6 माइनस। अगर इसको अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 6 36 यानी 36, 6 5 30 यानी 6 5 30 6, और 6 5 6 एंड 3 9। और अगर हम इस तरीके से करते जैसे कि सिंपल करना था हमको 81, फिर उसके बाद हम इसको करते 75 इंटू 75, तो ये हमारा बीजगणित का, ये एलजेब्रे का फॉर्मूला है माइनस स्क्वायर, तब एक बार इसको जोड़ना है और एक बार इसको माइनस करना है। इसको हम सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ करने के लिए हम इसके राइट साइड को देख लेते हैं। यहाँ से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए यानी कि यहाँ से एक की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर सभी के साथ होगी यानी ए माइनस बी। फिर उसके बाद प्लस बी, बी की मल्टीप्लाई भी पूरे से होगी ब्रैकेट के अंदर। अब ब्रैकेट खोल देते हैं, ए की ए से मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा ए बी। ए बी पहला ब्रैकेट खुला, दूसरा बी और ए यानी कि ए बी। अब यहाँ बी और यहाँ माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। आगे ब्रैकेट खोल लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए आप, ए स्क्वायर, इसके बाद ए भी माइनस का, ए भी प्लस का, दोनों आपस में क्लैश कर जाएंगे, कट जाएंगे या घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। और उसके बाद बचा हमारे पास बी स्क्वायर। राइट और लेफ्ट साइड दोनों
बराबर हो गई। इस तरह से हम इस फॉर्मूले को सिद्ध कर सकते हैं। अगली बार हम पढ़ेंगे अगला नेक्स्ट फॉर्मूला और उसको प्रूफ करके भी दिखाएंगे। थैंक यू।